छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने कहा कि मजदूर दिवस को बोरबासी दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्होंने कहा कि बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। हम सब ने मिलकर बोरेबासी खाने को एक जन अभियान बनाकर इस दिन को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी, जिससे श्रम को और श्रमिका के खान पान को सम्मान मिला। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो परंपरा शुरू हुई थी वह जारी रहे। बुधवार को सभी बोरीवासी खाएं और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। वही छत्तीसगढ़ में लंबित आरक्षण के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने कहा कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण एसटी एससी का आरक्षण खत्म नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। साथ ही नारायणपुर में हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ को लेकर बघेल ने कहा कि जवानों को बधाई, लगातार इस तरीके से गतिविधि जारी रखनी चाहिए ताकि नक्सली गतिविधियों कम पर काबू पाया जा सके। छत्तीसगढ़ियों से कोई लेना देना नहीं है। कल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और उस दिन हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, चाहे किसान हो मजदूर हो, सबके जो भोजन है उसको सम्मान देने के लिए बोरेबासी दिवस मनाने का फैसला किया था और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ में परंपरा जो हम लोग शुरू किया था वो जारी रहे। सबो जन कल बोरेबासी खाऊ और अपन अपन सोशल मीडिया में जरूर डाल। तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म नहीं होगा, एसटी एससी के नहीं होगा तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं लोग। 27% आरक्षण तो हमने पास किया विधानसभा से, अभी तक लंबित है। इसका मतलब ये है कि आरक्षण के विरोधी हैं, स्पष्ट हो जाता है। जवानों को बधाई और लगातार इस प्रकार से गतिविधि जारी रखनी चाहिए ताकि नक्सली और बेवकूफ में आए।